जिंदगी इस दुनिया की सबसे अबूझ पहेली। कुछ लोग इसे पैसा कमाने का मौका समझते हैं तो कुछ लोग सम्मान। कुछ लोग लोगों को पीछे छोड़ने का जिंदगी का मकसद बनाते हैं तो कुछ लोग लोगों को अपने साथ देखना चाहते हैं। सबके अपने ही रिवाज हैं और सबके अपने ही संस्कार। जिंदगी वो नहीं जहां सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाएं। जिंदगी वो है जो अपने साथ अपने लोगों के लिए कुछ काम करे। क्योंकि जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं उसके लिए लोगों के साथ की जरूरत होती है और उसे पाने के लिए लड़ना पड़ता है। अरे भैया, लोगों से नहीं किस्मत से। और इसे जिंदगी को आसान बनाने के लिए उसे समझना पड़ता है। वो भी अपने हालातों से लड़ा, वो भी अपने अस्तित्व को समझा और इसी समझ ने उसे लोगों का साथ लेना सिखाया और उसे बनाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डायमंड लीडर। मिस्टर पंकज सिंह। कभी अपनी जिंदगी को आईएएस बन पार लगाने की कोशिश करता है एक इंसान, जहां वो पैसा और सम्मान के साथ अपने आसपास के समाज की सेवा करने का सपना बुनना चाहता था। पिता श्री रघुवर प्रसाद और माता श्रीमती गीता देवी की सबसे बड़ी संतान 9/2/1987 को जन्मे पंकज सिंह अपने दो छोटे भाइयों के साथ गांव बुरावई में खेलते थे। पिता बार्टर वर्क्स में काम किया करते थे और मां गृहिणी। शिक्षा प्राथमिक विद्यालय बुरावई से ही शुरू हुई। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से होते हुए अजितेंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक पहुंची। 12वीं की और एमएसजे कॉलेज भरतपुर से ग्रेजुएशन पास की। इसी के साथ वो आईएएस की तैयारी करने लग गए। गांव का माहौल था, इसी माहौल ने पिताजी ने पंकज को पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी में लगा दिया। 2008 में आरपीएफ की नौकरी लग गई। अब नौकरी लगी तो शादी के रिश्ते आने लगे। पिता ने उचित परिवार और लड़की देख वंदना से 27/11/2009 में विवाह संपन्न करा दिया। नौकरी और पत्नी का साथ, समय गुजर रहा था। बेटे पीयूष और हर्षित ने परिवार को पूर्ण कर दिया। अब उनकी शिक्षा, अपनी नौकरी और जिम्मेदारी में वक्त बीत रहा था, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। गजेंद्र सर से मुलाकात हुई, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया तो अपने लोगों के साथ पैसे और सम्मान जो कभी आईएएस में दिखता था वो यहां नजर आने लगा। 2014 में उसे ज्वाइन कर लिया, पर यह इतना आसान नहीं था। लोगों को यकीन दिलाना कि आप भी इसके माध्यम से पैसा कमा सकते हैं बड़ा कठिन था। अनुभव नहीं था। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू,
बाकी है तुझ में हौसला। तो लोग मना करते, हताशा हावी होती। अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही। लोगों के ना जुड़ने से अपने सपने फिर से टूटने की अनुभूति होती। अपलाइन धर्मवीर सर ने ट्रेनिंग का रास्ता बताया और अजय पंडित सर ने मार्गदर्शन कर हौसलों को जोड़ा। अब अनुभव था और हौसले, तो अपनी टीम को तैयार करने में जुट गए। टीम बनी, श्रीकांत, हरी, दीपक, सुधीर, राहुल ने इनके साथ कंधे से कंधे मिलाए और टीम को विस्तार दिया। अब अपने सपनों को पूरा होता हुआ देख रहे थे। 10,000 का आंकड़ा पार हुआ और इन्हें बनाया सेफ शॉप का डायमंड लीडर। आज धन है, सम्मान है और है अपने लोगों के साथ। शुक्रिया टीम, शुक्रिया अपलाइन और शुक्रिया सेफ शॉप मेरे सपनों को जीवित करने का। Royal, we must be. Royal, we must be. Royal.